हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, आज बताएंगे आपको PYQ क्वेश्चन। ये आपका स्टूडेंट सेट नंबर 32 है। स्टूडेंट 32 सेट में आपका 10 प्रॉब्लम है, 10 प्रॉब्लम आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। स्टूडेंट तो आपका ये क्वेश्चन आपका JSSC JEE और SSC JEE दोनों एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा इस सब प्रॉब्लम से। स्टूडेंट तो चलो देखते हैं, एक नंबर प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखना है आपको, एंड तक बने रहना है। जो जो बताएंगे उसको क्या करना, नोट डाउन करना है। यहाँ से आपका 10 प्रॉब्लम है, बट बहुत सारा प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे स्टूडेंट। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या बोल रहा। प्रॉब्लम नंबर 1, व्हिच लॉ स्टेट दैट इन क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप। मतलब बोल रहा है कि अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप। इसका मतलब यहाँ पर पूछ रहा है स्टूडेंट कि आपका ये कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें आपका क्या होता है, सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू क्या होता है, अप्लाइड वोल्टेज ड्रॉप। तो ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, किरचॉफ्स का क्या होगा आप ही बताओ। तो ओम्स लॉ तो नहीं होगा, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है, ये नहीं होगा। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस तो होता नहीं है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, KCL बोलते हैं। फर्स्ट लॉ को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, KCL बोलेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं, ठीक है। और सेकेंड लॉ को क्या बोलते हैं, KVL बोलते हैं। तो यहाँ पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो वोल्टेज लॉ में क्या होता है, अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप होता है। इसका मतलब ये आपका किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो होगा स्टूडेंट वो आपका KCL होगा, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ जो होगा KVL होगा। तो इस प्रॉब्लम के मुताबिक जो आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट है, यदि आपसे पूछता है कि अप्लाइड करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल करंट, या तो बोलता है इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट, तो आंसर होता आपका सी। बट यहां पर आपका आंसर होगा क्या, डी। चलो आगे की ओर देखते हैं, आगे का प्रॉब्लम को समझते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। अब देखो स्टूडेंट आपको समझना है कि रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। कंडक्टेंस को हम लोग किससे सूचित करते हैं, जी से सूचित करते हैं। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होगा स्टूडेंट ओम होगा, तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स होगा, या तो क्या बोलेंगे, मो बोलेंगे। इसका मतलब स्टूडेंट कंडक्टेंस मतलब जी का जो यूनिट होगा वो आपका क्या होगा, मो होगा, याद रखना है। रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वह स्टूडेंट आपका क्या होता है, ओम होता है। यदि रेजिस्टेंस का पूछता तो आपका आंसर क्या होता है, ओम होता है। बट यहां पर पूछ रहा है कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, मो होगा। तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, ए होगा। बट आपसे पूछता है स्टूडेंट कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, तो आप बोलते ओम इंटू क्या होता, मीटर होता। ओम इंटू क्या होता, मीटर होता। ओम इंटू क्या होता, मीटर होता, आपको याद रखना है। तो आपको समझना है स्टूडेंट कि मो आपका क्या होगा, कंडक्टेंस का यूनिट होगा। ओम आपका किसका यूनिट होगा, रेजिस्टेंस का यूनिट होगा। ओम इंटू मीटर किसका यूनिट होगा, रेजिस्टिविटी का यूनिट होगा। तो आपको समझना है कि कौन सा प्रॉब्लम के लिए कौन सा आंसर होगा। तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मो हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, ए होगा। चलो आगे की ओर चलते हैं, आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं। आगे का प्रॉब्लम भी बेहद इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूनिट कंज्यूम्ड बाय 500 वाट लैम्प फॉर 5 आवर। मतलब एक आपका 500 वाट लैम्प है, वह 5 घंटे जल रहा है, तो कितने यूनिट का बिजली बिल वह कंजप्शन करेगा, मतलब कितने यूनिट बिल वो कितने यूनिट एनर्जी को क्या करेगा, कंजप्शन करेगा। तो अब देखो इसको कैसे समझेंगे और इस प्रॉब्लम को कैसे निकालेंगे, ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इस कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम आएगा आपका एग्जाम हॉल में। चलो देखते हैं, अब देखो इसका क्या बोल रहा है, कंज्यूम कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट होता है स्टूडेंट, सबसे पहले देखो किलो वाट आवर होता है, किलो वाट आवर होता है। एक किलो वाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, 1 यूनिट होता है। एफ का क्या होगा, 1 यूनिट होगा, ठीक है। अब देखो एक किलो वाट आवर इज इक्वल टू कितना जूल होगा, तो आपको बोलना है 3.6 × 10⁻⁶ क्या होगा, 6 जूल होगा। 3.6 × 10⁻⁶ क्या होगा, 6 जूल होगा। अब देखो अब समझने का कोशिश करो कि आपको एक यूनिट निकालना है, कितना यूनिट होगा। इसका मतलब है 500 वाट है, पावर कितना है आपका 500 वाट है, और कितना है 500 वाट है, और आपका टाइम कितना है, आपका टाइम कितना है 5 आवर है, ठीक है। तो एनर्जी निकालना होगा, एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, यही आपका यूनिट में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखना यह है कि पावर को आपको किस में रखना होगा, किलोवाट में रखना होगा, टाइम को आवर में रखना होगा, तभी जाके यूनिट में आएगा। तो पावर आपका 500 वाट है, तो किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से क्या करेंगे,
सॉरी 100 से नहीं 1000 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और टाइम आपका आवर में दिया गया तो पांचे रहेगा। चलो ये और ये कट गया तो 5 5 25 भागा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया स्टूडेंट 2.5 क्या हो गया किलोवाट आवर। इसका मतलब किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना होता है एक यूनिट होता है। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा 2.5 क्या हो जाएगा यूनिट हो जाएगा। मतलब आपका ये लैंप जो कितना पावर को कंजम्पशन करेगा तो 2.5 यूनिट पावर को क्या करेगा सॉरी एनर्जी कंजम्पशन करेगा पावर में एनर्जी को क्या करेगा कंजम्पशन करेगा। तो ये आपका फॉर्मूला है एक किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट एक किलोवाट आवर इज इक्वल टू इतना जूल। इसको याद रखेगा ये आता है पावर दिया गया टाइम दिया गया है एनर्जी कंजम्पशन निकालना है पी इंटू क्या होगा टी होगा पी के जगह पर पी का वैल्यू पुट करेंगे बट यूनिट को ध्यान देना है वाट में है तो किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे। टाइम आपका आवर में रहना चाहिए जो कैलकुलेशन करके आएगा उतना आपका क्या होगा यूनिट हो जाएगा। कैलकुलेशन करके आपका कितना आया 2.5 यूनिट हो गया। चलो आगे की ओर देखते हैं आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं 4 नंबर कैलकुलेट द टोटल पावर ऑफ द सर्किट ऑफ 2 लैंप रेटेड 200 वाट और आपका वोल्टेज जो है 240 वोल्ट है आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द 240 वोल्ट सप्लाई। अब देखो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे 4 नंबर प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो देखो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो गया 2.5 यूनिट हो गया। ये किसका है प्रॉब्लम नंबर 3 का सॉल्यूशन है 3 का सॉल्यूशन को आपको यहां से यहां तक नोट डाउन करना है। चलो आगे की ओर चलते हैं 4 नंबर प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं 4 नंबर प्रॉब्लम भी बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखो 4 नंबर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे अब देखो स्टूडेंट कैलकुलेट द टोटल पावर ऑफ द सर्किट 2 लैंप 2 लैंप है स्टूडेंट। चलो यहां पर 2 लैंप बना लेते हैं ये आपका क्या 2 लैंप है 2 लैंप है कनेक्टेड कैसा आपका दोनों लैंप आपका कैसा कनेक्टेड है सीरीज में कनेक्टेड है ठीक है। इस लैंप का पावर P1 है इस लैंप का पावर क्या है P2 है। इस लैंप का पावर आपका 200 वाट है इस लैंप का वोल्टेज 240 वोल्ट है। इस लैंप का पावर 200 वाट है इसका भी वोल्टेज कितना है 240 वोल्ट है ठीक है। ये आपका इस तरह कनेक्टेड है सप्लाई कितना है स्टूडेंट आपका 240 वोल्ट है। ये आपका माइनस है ये प्लस है ठीक है। अब देखो ये लैंप 1 है ये आपका लैंप 1 हो गया और ये आपका क्या हो गया लैंप 2 हो गया ठीक है। अब देखो ये आपका कैसा कनेक्टेड है सीरीज में कनेक्टेड है पूछ रहा है कैलकुलेट द टोटल पावर ऑफ द सर्किट कैलकुलेट द टोटल पावर ऑफ द सर्किट टोटल पावर निकालना है स्टूडेंट। तो टोटल पावर कैसे निकालोगे तो टोटल पावर का इसका जो फॉर्मूला होगा वो आपका क्या हो जाएगा ये आपका P1 है ये आपका क्या है P2 है ये आपका 240 वोल्ट है ये आपका 240 वोल्ट है। तो आपको क्या करना है पावर को कैलकुलेट करना है पावर को कैलकुलेट करना है पावर को कैलकुलेट करना है तो आप पावर को कैलकुलेट कर सकते हो। तो पावर के कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका पावर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा जब ये दोनों लैंप सीरीज में रहेगा और ये 240 है ये भी 240 है ये भी 240 है तो पावर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा P1 गुना क्या हो जाएगा P2 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा P1 प्लस क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा ये आपका 200 गुना क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा 200 प्लस क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 200 गुना क्या हो जाएगा 200 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे ये कैंसिल हो गया तो आपका ये जो 2 आ जाएगा इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। इसका मतलब पावर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा स्टूडेंट 100 वाट आ जाएगा कितना आ जाएगा 100 वाट आ जाएगा। इसका मतलब है 2 बल्ब यदि आपका सीरीज में कनेक्टेड हो और यदि इसका रेटेड वोल्टेज दोनों बल्ब का या दोनों लैंप का इक्वल है और सप्लाई भी उसी के बराबर है तो आपका फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा सीरीज में कनेक्टेड होगा तो ये फॉर्मूला होगा। और यदि ये आपका पैरेलल में कनेक्टेड होता है स्टूडेंट तो आपका पावर इक्विवेलेंट पैरेलल का जो फॉर्मूला होगा उसको भी याद रख लो पैरेलल का फॉर्मूला होगा P1 प्लस क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा। तो P1 आपका यदि ये आपका पैरेलल में कनेक्टेड होता तो P1 प्लस P2 होता तो आंसर क्या होता 400 होता 200 प्लस क्या होता 200 तो कितना वाट आ जाता 400 वाट आ जाता। बट ये आपका पैरेलल में कनेक्टेड नहीं है ये कैसा कनेक्टेड है सीरीज में कनेक्टेड है इसीलिए आपका आंसर कितना होगा 100 वाट होगा 100 वाट होगा। ये क्या है सीरीज में कनेक्टेड है तो पावर इन सीरीज इक्विवेलेंट फॉर्मूला ये होगा याद रखोगे
पावर इन पैरेलल का फॉर्मूला ये होगा, आपको याद रखना है। बट बशर्ते कंडीशन याद रखना है, ये भी 240 होना चाहिए, ये भी 240 होना चाहिए, ये भी 240 होना चाहिए। मतलब जो भी यहाँ पर सप्लाई होगा वही सप्लाई यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए, तभी जाके ये फॉर्मूला क्या है, वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर 4 का क्या है, सॉल्यूशन है। ये आपका फॉर्मूला बता चुके हैं, सीरीज और पैरेलल आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक मुद्दा यह भी है कि यदि आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यहाँ का रेजिस्टेंस निकाल लो, P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बटा R होता है, तो R इक्वल टू क्या होगा, V स्क्वायर बटा P होगा। तो यहाँ का रेजिस्टेंस निकाल लो, यहाँ का रेजिस्टेंस निकाल लो, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकाल लो, उससे भी पावर आपका निकल जाएगा। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटा R इक्विवेलेंट, वहां से भी निकल जाएगा आंसर, वो इतना ही आएगा, बट वो क्या होगा, लेंदी होगा थोड़ा सा, इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिए, फॉर्मूला लगा के क्या किया, बना लिए, ठीक है। चलो, 4 नंबर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब देखते हैं 5 नंबर प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं, 5 नंबर प्रॉब्लम भी बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर बाय कलर कोडिंग मेथड। कलर कोडिंग मेथड से क्या करना है स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग करना है, ठीक है। चलो, कलर कोडिंग मेथड क्या होता है, सबसे पहले ये समझो, ये आपका 4 बैंड रजिस्टर है, 4 बैंड रजिस्टर है, मतलब 1, 2, 3, 4 बैंड का रजिस्टेंस है। इस कलर से आपको रेजिस्टेंस वैल्यू को कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कलर कोडिंग मेथड। कलर कोडिंग मेथड से इसका रेजिस्टेंस वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसका कुछ एक कोटेशन है, उस कोटेशन को याद रखना होगा, तभी जाके इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग कर सकते हो। तो कैसे याद रखोगे, पहले कलर कोड का सीक्वेंस को याद रखना है। तो कैसे याद रखोगे, बी बी ऐसे देखो, बी बी रॉय, तो आर ओ वाई रॉय लिखेगा, तो आर वाई आर ओ वाई लिखेगा, बी बी रॉय, ग्रेट ग्रेट का जी लिखेगा, ब्रिटेन का बी लिखेगा, ग्रेट ब्रिटेन वेरी वेरी का भी लिखेगा, गुड का डब्ल्यू लिखेगा और वाइफ ऐसे लिख लेगा, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ ऐसे करके लिख लेगा, बी बी रॉय लिखो, बी बी रॉय रॉय को एक साथ लिखेगा, ग्रेट का जी लेगा, ब्रिटेन का बी लेगा, भेरी का भी लेगा, गुड का जी लेगा और वाइफ का डब्ल्यू लेगा, ठीक है। चलो, अब देखो ऐसे लिख लो, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ऐसे करके हम इस सीक्वेंस को याद कर लेंगे। चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस तरह करके हम क्या किए, कलर का सीक्वेंस को याद कर लिए। कलर का सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। ये आपका 0 से स्टार्ट होगा, इसको 1 लिखना है, इसको 2 लिखना है, इसको 3 लिखना है, इसको 4 लिखना है, इसको 5 लिखना है, इसको 6, इसको 7, इसको 8, और इसको क्या लिखना है, 9 लिखना है। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, फर्स्ट बैंड, ये हो गया फर्स्ट बैंड। तो फर्स्ट बैंड में आपका यही आपका पोजिशन आएगा लिखना है। सेकेंड बैंड में भी हम पोजिशन ही लिखेंगे, सेकेंड बैंड में भी हम क्या लिखेंगे, पोजिशन ही लिखेंगे। जैसे सेकेंड बैंड में ब्लू है तो ब्लू का ही पोजिशन लिखेंगे। तो सेकेंड बैंड में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 उसी को लिखेंगे, अगेन इसी को रिपीटेशन करेंगे। थर्ड बैंड में आएगा आपका आएगा मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर आएगा। तो मल्टीप्लायर कुछ नहीं करना, 10 लिखना है, सब में 10 लिख देना है, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 और 10 लिखना है, ठीक है। अब ये वाला चीज को पावर में चढ़ाना, 0 यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, ऐसे करके क्या करना है, लिख लेना है। तीनों बैंड का तो लिख लिया, तीनों बैंड का तो लिख लिया ना, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड और थर्ड बैंड, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके आप लोग को क्या करना है, बना लेना है टेबल, ठीक है। चलो, बना लिया है, ऐसे करके बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, अब रही मुद्दा कि बी का मतलब क्या होगा, बी का मतलब होगा स्टूडेंट ब्लैक होगा, बी का मतलब क्या होगा, दूसरा बी का मतलब ब्राउन होगा, आर का मतलब रेड होगा, ऑरेंज होगा, येलो होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा, वायलेट होगा,
ग्रे होगा, व्हाइट होगा, एकदम पूरा टेबल लिख लेना है, ठीक है। टेबल नहीं लिखोगे नहीं बन पाएगा, इससे एक प्रॉब्लम आएगा 100% श्योर है। टेबल आएगा तो बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, सीधी बात है। चलो, बी का मतलब ब्लैक, बी का मतलब ब्राउन, आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, जी का मतलब ग्रीन, बी का मतलब ब्लू, बी का मतलब वॉयलेट, जी का मतलब ग्रे, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है व्हाइट। अब चलो आप प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला जो फोर्थ बैंड होगा वो टॉलरेंस होगा, टॉलरेंस होगा सिल्वर का 10% होता है, गोल्ड का प्लस माइनस 5% होता है, यहां पर प्लस माइनस कर लो, और एनी अदर कलर का 20% होता है। चलो अब देखते हैं ये फोर्थ पोजीशन के लिए टॉलरेंस होगा, फोर्थ पोजीशन के लिए। अब देखते हैं आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे। देखो फर्स्ट में क्या रेड है, फर्स्ट बैंड क्या है, ये यहां से काउंटिंग करेंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट बैंड होगा, ये आपका सेकंड बैंड होगा, ये आपका थर्ड होगा, ये आपका क्या होगा फोर्थ होगा, जैसे हम बता रहे उसी तरह करना है, ठीक है। देखो फर्स्ट बैंड, फर्स्ट बैंड में पोजीशन बताएगा रेड, रेड का पोजीशन कहां है, दो में है, चुपचाप लिखेगा दो, ठीक है। उसके बाद दूसरा में क्या, ब्लू, ब्लू का पोजीशन देखो, ब्लू का पोजीशन क्या है, छ लिखेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ऑरेंज, ऑरेंज का मल्टीप्लायर, थर्ड क्या बताएगा, मल्टीप्लायर, मतलब मल्टीप्लाई कर लेना है, और ऑरेंज को देखना, ऑरेंज, ऑरेंज यहां पर है, ऑरेंज का मल्टीप्लायर कितना होगा, 10 के पावर 3, तो 26 × 10 के पावर क्या होगा, 3, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला जो होगा वो टॉलरेंस होगा, सिल्वर है तो यहाँ पर प्लस माइनस और क्या करेगा, सिल्वर का टॉलरेंस क्या होता है 10% होता है, इसका मतलब 26 × 10 के पावर 3 प्लस माइनस 10% होगा, तो 26 × 10 के पावर 3, देखो 26 × 10 के पावर 3 कहाँ है, 26 × 10 के पावर 3 ओम प्लस माइनस क्या होगा 10% होगा, मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसी तरह करके स्टूडेंट हम क्या करेंगे, कलर कोडिंग मेथड का यूज करके कोई भी आपका बैंड दिया जाएगा, उस बैंड का रेजिस्टेंस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, बशर्ते आपको ये टेबल पता होना चाहिए, यदि ये टेबल पता होगा तभी जाके आप बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बनेगा। इसका मतलब इस टेबल को याद रखना है, ये आपका कोटेशन को याद रखोगे तो आपका बहुत ईजी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये आपका फर्स्ट बैंड है, पोजीशन बताएगा, जीरो से स्टार्ट करेंगे 9 तक लिखेंगे, सेकंड बैंड भी पोजीशन बताएगा, थर्ड बैंड आपका मल्टीप्लायर होगा, 10 सब में लिखना है, ये इसको पावर में लिखना है, ये वाला पोजीशन को पावर में लिखना है, और लास्ट वाला जो बैंड होगा वो टॉलरेंस होगा, यदि सिल्वर होगा तो प्लस माइनस 10% होगा, और गोल्ड होगा तो प्लस माइनस क्या होगा 5% होगा। हो जाएगा, प्रॉब्लम बेहद ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा, इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। चलो 6 नंबर में देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमेंस, परमेंस का यूनिट क्या होता है, ये आपका मैग्नेटिक सर्किट में आता है परमेंस, तो इसको नोट कर लेना है, ठीक है। अब देखो परमेंस, परमेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 1/रिलक्टेंस होता है, क्या होता है 1/रिलक्टेंस होता है, परमेंस इज इक्वल टू क्या होता है 1/रिलक्टेंस होता है, जिस तरह कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है 1/रेजिस्टेंस, उसी तरह परमेंस इज इक्वल टू क्या होता है 1/रिलक्टेंस होता है। तो देखो MMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स बता चुके हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स इक्वल टू क्या होता है फ्लक्स गुना रिलक्टेंस, एस मतलब रिलक्टेंस। चलो आप देखो मैग्नेटोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला होता है Ni, और ये phi मतलब फ्लक्स, और S का मतलब क्या होगा रिलक्टेंस, लिखना है लिख लो, Ni by phi इज इक्वल टू क्या होगा S होगा, S का मतलब क्या होता है रिलक्टेंस होता है, S का मतलब क्या होता है रिलक्टेंस, S का मतलब रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का यूनिट, I का मतलब एम्पियर, N का मतलब टर्न्स, और phi का मतलब फ्लक्स, फ्लक्स का यूनिट क्या होगा वेबर, इसका मतलब इसका यूनिट क्या होगा एम्पियर टर्न पर वेबर, बट आपका परमेंस जो होता है परमेंस इज इक्वल टू क्या होता है 1/रिलक्टेंस, क्या होता है 1/रिलक्टेंस, इसका मतलब इसका यूनिट क्या होगा जस्ट रिलक्टेंस का उल्टा होगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा वेबर बटा एम्पियर टर्न्स, परमेंस का यूनिट हो जाएगा। इसका मतलब है आपसे पूछ रहा है कि परमेंस का यूनिट क्या होगा, तो आपको बोला वेबर बटा एम्पियर टर्न्स, वेबर बटा एम्पियर टर्न्स, वेबर बटा एम्पियर टर्न्स, इसका मतलब स्टूडेंट एम्पियर टर्न्स पूछता तो ये किसका यूनिट होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, नोट कर लो बेहद इंपॉर्टेंट है, एम्पियर टर्न्स पर वेबर पूछता तो किसका यूनिट होता है रिलक्टेंस, किसका यूनिट होता है रिलक्टेंस।
वेबर पर स्क्वायर मीटर किसका यूनिट होता है? फ्लक्स डेंसिटी। किसका यूनिट होता है? फ्लक्स डेंसिटी। किसका फ्लक्स डेंसिटी? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। लिख लो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा? वेबर बटा एम्पियर टन्स। चलो अब देखते हैं सात नंबर प्रॉब्लम। ये आपका केस स्टूडेंट क्या है? व्हाट इज द पार्ट मार्क एक्स इन बीएच कर्व। ये आपका बीएच कर्व है, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में आपका रिलेशन होता है, इसी को बोलते हैं बीएच कर्व। तो इसको बोलेंगे रिलेक्टिव, इसको बोलेंगे रिलेक्टिविटी, इसको क्या बोलेंगे? रिलेक्टिविटी बोलेंगे। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? कोरिसिविटी बोलेंगे, कोरिसिविटी बोलेंगे। तो आपसे ये पॉइंट पूछ रहा है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? कोरिसिविटी बोलेंगे। यदि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पूछता तो क्या बोलते हैं? रिलेक्टिविटी बोलते हैं। ये वाला पॉइंट पूछ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? कोरिसिविटी बोलेंगे। इसको आपको याद रखना है, कोरिसिविटी उस पॉइंट को बोलेंगे जिस पॉइंट पर आपका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा, उसको क्या बोलेंगे? कोरिसिविटी बोलेंगे। और रिलेक्टिविटी उस पॉइंट को बोलेंगे जहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? जीरो होगा, बट उस पर्टिकुलर पॉइंट में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसको बोलेंगे रिलेक्टिविटी। और इस पॉइंट को बोलेंगे कोरिसिविटी। कोरिसिविटी का मतलब होता है जिस पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा बट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट करेगा, उसको बोलेंगे कोरिसिविटी। इसको मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द फॉर्म फैक्टर? बता चुके हैं बहुत बार, फॉर्म फैक्टर इक्वल टू क्या होता है? आरएमएस वैल्यू डिवाइडिंग बाय द क्या होता है? एवरेज वैल्यू। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द थ्री फेज सर्किट? थ्री फेज सर्किट में आपका पूछ रहा है कि फेज डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो थ्री फेज इस तरह का होता है स्टूडेंट, तो दोनों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में। तो आपको याद रखना कितना होता है? 120 डिग्री का होता है। कितना होता है? 120 डिग्री का होता है। आंसर हो जाएगा आपका बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलो लास्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में पूछा गया। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ टू वाट मीटर मेथड थ्री फेज पावर मेजरमेंट इफ द पावर फैक्टर इज जीरो? क्या बोल रहा? पावर फैक्टर इज जीरो। चलो, टू वाट मीटर मेथड में आपका एक फॉर्मूला होता है, बेहद इंपॉर्टेंट है, उस फॉर्मूले को याद रखना है। टू वाट मीटर मेथड लिखो, टू वाट मीटर मेथड इसका आपका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, टेन फाइव इज इक्वल टू रूट थ्री ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू डिवाइडिंग बाय ओमेगा वन प्लस क्या होता है? ओमेगा टू। लिखना है, लिख लो। तो फाइव का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां से? टेन इनवर्स रूट थ्री ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू डिवाइडिंग बाय ओमेगा वन प्लस क्या हो जाएगा? ओमेगा टू हो जाएगा। पावर फैक्टर पी एफ मतलब पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस फाइव होता है। चलो अब देखो, कॉस फाइव, फाइव की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे, टेन इनवर्स ब्रैकेट रूट थ्री ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू डिवाइडिंग बाई ओमेगा वन प्लस क्या हो जाएगा? ओमेगा टू। लिखना है, लिख लो, बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे प्रॉब्लम आता है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, पावर फैक्टर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। मतलब ये वाला एंगल कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। तो ये आपका 90 तभी हो सकता है स्टूडेंट जब ये नीचे वाला टर्म क्या हो? जीरो हो। जब नीचे वाला टर्म जीरो होगा तो भाग देंगे तो इन्फिनिटी होगा, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू होता है 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? जीरो। इसका मतलब नीचे वाला टर्म को एनी हाउ जीरो करना है, तो नीचे वाला टर्म जीरो तभी होगा स्टूडेंट जब ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू इज इक्वल टू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। इसका मतलब ओमेगा वन इज इक्वल टू क्या हो जाए? माइनस ओमेगा टू हो जाए। मतलब इसका वैल्यू जो है इक्वल हो बट मैग्नीट्यूड वैल्यू इक्वल हो बट एक दूसरे का क्या हो? अपोजिट हो। इसका मतलब स्टूडेंट ओमेगा वन इज इक्वल टू क्या हो? माइनस ओमेगा टू। इसका मतलब क्या होगा? ओमेगा वन इज इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा टू बट विथ अपोजिट साइन। ये दोनों वैल्यू इक्वल होना चाहिए बट एक दूसरे का दोनों क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए, तभी जाके ये क्या होगा? जीरो होगा। तो आपका तभी जाके ये आपका 90 डिग्री हुआ, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। तभी जाके पावर फैक्टर क्या होगा? जीरो होगा। जीरो ही पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको याद रखना होगा कि ओमेगा वन और ओमेगा टू मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो बट दोनों का साइन क्या हो? अपोजिट हो। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, याद रखना है, ओमेगा वन इज इक्वल टू ओमेगा टू बट विथ अपोजिट साइन, तभी जाके आपका पावर फैक्टर क्या होगा? जीरो होगा। तो
तो इस फॉर्मूले को याद रख लो, टू वाट मीटर मेथड में टेन फाई का वैल्यू ये होता है, पावर फैक्टर कॉस फाई होता है, फाई का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, पूछ रहा है पावर फैक्टर जीरो होना चाहिए, पावर फैक्टर जीरो तभी होगा जब ये वाला टर्म क्या होगा, जीरो होगा, ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू जीरो हो जाएगा, तो ये टेन इनवर्स 90 डिग्री हो जाएगा, टेन इनवर्स 90 डिग्री का वैल्यू होता है, सॉरी टेन इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू होता है 90, कॉस 90 का वैल्यू जीरो होगा, इसका मतलब ये वाला आंसर होगा। इसका मतलब बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्लासेस था, बहुत ही कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कशन किए, 10 नंबर प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट था याद रखोगे, 5 नंबर प्रॉब्लम का कलर कोड का सीक्वेंस को याद रखोगे, ठीक है, इसको बोलते हैं कोरेसिटिविटी, इस पॉइंट को पूछेगा, इस पॉइंट को पूछेगा तो रेंसिटिविटी रिलेक्टिविटी बोलेंगे, रिलेक्टिविटी उसको बोलेंगे जिसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होगा, जीरो होगा, याद रखेगा बेहद इंपॉर्टेंट है, यूनिट वाइज याद रखेगा, ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स का यूनिट होता है, ये आपका परमेंस का यूनिट होता है, ये आपका रिलेक्टेंस का यूनिट होता है, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है, सभी चीज वेल मैनर से ऑर्गेनाइज किया गया है, बहुत ही मतलब वेल मेंटेन करके प्रॉब्लम को डिसाइड किया जाता है और सेलेक्टिव प्रॉब्लम को ही लिया जाता है और उस तरह का प्रॉब्लम लिया जाता है जो बेहद इंपॉर्टेंट है और आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, उसी प्रॉब्लम को यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है, तो बार बार कॉन्सेप्ट को क्या करना है, रिविजन करना है और आपको क्या करना, नोट्स बनाना है और ध्यान से याद रखना है। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो की एंड करते हैं, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वंदे मातरम स्टूडेंट।